ये है लाइस, जिसे हम जुए भी कहते हैं। यकीनन कभी न कभी आपने इसे देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये लाइस हमारे सर में कैसे जिंदा रहती है, या ये जिंदा रहने के लिए अपनी खुराक कहाँ से लाती है और ये कैसे अपनी तादाद को बढ़ाती है। चलिए जानते हैं लाइस के बारे में। लाइस एक ऐसा इंसेक्ट है जो कि बर्ड्स और मैमल्स की बॉडी में रहती है। इसे दो मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। नंबर वन, सकिंग लाइस। इस टाइप की लाइस अपने खुराक को अपने होस्ट की बॉडी से चूस कर हासिल करती है, और ये ज्यादातर मैमल्स की बॉडी में प्रेजेंट होती है। नंबर टू, बाइटिंग लाइस। इस टाइप की लाइस अपनी खुराक को चबाकर हासिल करती है। बाइटिंग लाइस ज्यादातर बर्ड्स की बॉडी में प्रेजेंट होती है, और इनके मुंह के कुछ हिस्से बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, जो कि इनको होस्ट की स्किन और हेयर खुरचने और खत्म करने में मदद करते हैं। बाइटिंग लाइस स्किन में होने वाले सेक्रेशन, स्किन के छोटे छोटे टुकड़े, बर्ड्स के फीडर्स और हेयर्स को अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल करती है। अगर हम अपनी बात करें तो हम ह्यूमन बींग्स के बॉडी में सकिंग लाइस यानी कि चूसने वाले जुए प्रेजेंट होते हैं। ये लाइस ज्यादातर हमारे सर के बालों में प्रेजेंट होती है, और ये हमारे सर से खून पीकर ही जिंदा रहती है। ये एक दिन में तकरीबन 4 से 5 बार फीडिंग के लिए बाइट करती है। आप इस लाइस के अंदर मौजूद इस ब्राइनिश टफ को देख सकते हैं, जो कि हमारा ब्लड है। यहां आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूं कि जब लाइस हमारे सर से ब्लड को फीड कर रही होती है, तो इस दौरान ये होस्ट की बॉडी में अपना सलाइवा इंजेक्ट करती है ताकि ब्लड क्लॉटिंग हो, और इसी वजह से हमारे सर में खारिज महसूस होने लगती है। हमारे सर में मौजूद लाइस के 6 लेग्स होती हैं, और इनके लेग्स के एंड पर क्लॉज यानी पंजे मौजूद होते हैं, और इन क्लॉज को टार्सल क्लॉज भी कहा जाता है, और ये टाइनी पार्ट जिसे स्पाइन कहते हैं। लाइस इस स्पाइन और क्लॉ की मदद से हमारे बालों को मजबूती से पकड़ती है, और ये इनकी मदद से हमारे बालों में तेजी से रेंगती भी है। और जब फीडिंग का टाइम होता है तो इस वक्त अपने क्लॉज की मदद से हमारे सर में क्रॉल करती है। चलिए बात करते हैं हेड लाइस के लाइफ साइकिल की। हेड लाइस के लाइफ साइकिल के 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले एग बनते हैं, फिर निम्फ, और इसके बाद एक एडल्ट लाइस। स्टेज नंबर 1, सबसे पहले लाइस हमारे सर में एग्स प्रोड्यूस करती है, जिन्हें निट्स कहा जाता है। निट्स को एडल्ट लाइस प्रोड्यूस करती है, और ये व्हाइट येलोइश कलर की होती है। ये हमारे सर के करीब हमारे हेयर शाफ्ट के साथ मजबूती से अटैच हुए होते हैं। ये एग्स यानी कि निट्स ओवल शेप्ड होते हैं, और इनकी लेंथ तकरीबन 0.8 मिलीमीटर होती है। स्टेज नंबर 2, निम्फ्स। निट्स तकरीबन 6 से 8 दिनों में हैच हो जाते हैं, और निम्फ रिलीज होते हैं। निम्फ दिखने में एक एडल्ट लाइस की तरह होती है, पर ये इमैच्योर और साइज में काफी छोटी होती है। इसका साइज तकरीबन 1.1 से 1.3 मिलीमीटर के बीच होता है। स्टेज नंबर 3, एडल्ट लाइस। निम्फ अपने पैदा होने के 7 दिनों के बाद अडल्ट हो जाती है, और एक एडल्ट लाइस अपनी लाइफ में तकरीबन 2 मिलीमीटर तक ग्रो करती है। एडल्ट लाइस किसी पर्सन के हेड में 30 दिन तक जिंदा रह सकती है। एडल्ट फीमेल लाइस मेल लाइस के मुकाबले साइज में बड़ी होती है, और ये एक दिन में तकरीबन 6 अंडे दे सकती है। हेड लाइस को जिंदा रहने के लिए हम ह्यूमन बींग्स की जरूरत होती है, और अगर इन्हें हमारी बॉडी से निकाल दिया जाए तो ये 1 से 2 दिन में मर जाती है।